प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मातृ दिवस के ही दिन शाहपुर पुलिस ने जीवित माता को मित्र दिखाकर फर्जी तौर पर जमीन बेचने वाले 2 वर्षों से फरार कलयुगी पुत्र आकाश गिरी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने पाली स्थित सद्भावना प्रेरणा लघु उद्योग पुष्टाहार प्लांट का किया निरीक्षण, कहा मई माह में ही प्लांट को शुरू करने का रखा गया है लक्ष्य। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने नगर सर्किल के समस्त थाना प्रभारियों एवं चौकी प्रभारियों के साथ की बैठक, कहा अपराधियों असामाजिक तत्वों व शोहदों पर पैनी दृष्टि रखते हुए उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के दिए गए हैं निर्देश। रविवार की सुबह नौकायन पर गोरख पथ कार्यक्रम का किया गया आयोजन, विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने जुम्बा डांस योगा व सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति। कौशल विकास मिशन के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन, जिलाधिकारी ने कहा सभी छात्र व छात्राओं को अच्छी गुणवत्ता के साथ दिया जा रहा है प्रशिक्षण, जल्द ही बच्चों को अलग अलग कंपनियों में दिया जाएगा प्लेसमेंट। सदर सांसद रवि किशन ने गोरख पथ कार्यक्रम में लिया प्रतिभाग, साइकिल चलाकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का दिया संदेश। थैलेसीमिया डे पर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की मदद करने के लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, एसएसपी व एसपी सिटी ने पुलिस जवानों व आमजन को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित, कहा ब्लड डोनेशन से किसी भी जरूरतमंद की जान बचा सकते हैं आप। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक सातिर चोर को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और जनपद में बदला मौसम का मिजाज, हल्की आंधी के साथ हुई तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा मौसम हुआ सुहावना, बारिश से कहीं पर भी किसी प्रकार की नहीं हुई है जनधन की हानि की सूचना।